सुधांशु जी, ईशान जी, आपने गुड मॉर्निंग का मतलब जरूर बताया होगा। गुड मॉर्निंग का मतलब पता चला? वंस अगेन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। सच में आपको मैं वादा करता हूँ, आप अपने दो घंटे मुझे दे दीजिए और आपकी जीवन में ना नया सूरज उगा दूंगा। कोशिश करेंगे, लेकिन किन लोगों के जीवन में वो सूरज उगेगा? जो अभी भी सोशल मीडिया के अंदर घुसे हुए इंस्टाग्राम चेक कर रहे हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले एक ऐसी और मीटिंग करके आया हूँ, मैंने देखा वहां पे एक बच्चा चुपके से अंदर से कहीं से वो तो लगा हुआ था उसके पास, कुछ समझ में आ रहा है? वो बोले सर मम्मी का कॉल आ गया था, उसको रिस्पॉन्स मुझे देना था। मुझे पता था वो मम्मी का कॉल नहीं था। और जन्माष्टमी का सीजन चल रहा है, भगवान कृष्ण से इंस्पिरेशन लेने वाले तो बहुत पड़े हुए हैं। तो परिवर्तन इनकी जिंदगी में आएगा जिनको जिनका जो आज यहाँ पे है। कई लोग होते हैं ना हॉल के अंदर, आ तो जाते हैं लेकिन यहाँ पे होते नहीं है। बात सही है सुभाषु जी, ईशान जी, बात सही है? कई लोग हॉल के अंदर आते, देखो साबित भी कर रहे हैं। हॉल के अंदर तो आ जाते हैं लेकिन मन कहीं सीता गीता में होता है। मैं थोड़ा सा पुराने जमाने का आदमी हूं, इसलिए मैं सीता गीता का एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अगर आप नए जमाने के हो तो सेनोरिटा ले लीजिए, या अपना अपना नाम खुद ही ले लीजिए। अब मैं आपको बताऊं, अच्छा मैं आपको बताना भूल गया, अनफॉर्चुनेटली आई एम एन इंजीनियर। कितने लोग हैं आप लोग जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं यहाँ पे? फ्लैश लाइट जरा कम करो, फ्लैश लाइट कम करो। गलत सवाल पूछ लिया। अच्छा आप में से कितने लोग फर्स्ट ईयर में हैं? फर्स्ट ईयर में मेरे साथ एक दुर्घटना हो गई थी फर्स्ट ईयर में, आपको बताऊं। दुर्घटना अंग्रेजी में ट्रांसलेट करूं कि हिंदी में भी चलेगा? हिंदी में चलेगा ना, आपकी भाषा है हिंदी में चलेगी। कारण उसका ये है कि मैं थोड़ा साउथ इंडिया में कई बार जाता हूँ तो इंग्लिश मोड में आ जाऊंगा। अच्छा ग्रेटर नोएडा के बारे में बताऊं, ये तो मेरी कर्मभूमि रही है। इसके गवाह यहाँ पे ईशान जी और सुमांशु जी है और कोई नहीं है यहाँ पे। मैं आपको बताऊँ, ये दो ही लीडर्स यहाँ पे खड़े हुए हैं, यही गवाह है कि इसकी ये हमारी कर्मभूमि रही है। और बहुत बहुत पराठे खाए ताऊ जी की दुकान में यहाँ पे। तब तो ये ऑटो भी नहीं चलते थे, बड़ी मुश्किलें होती थी। ताऊ जी की दुकान बहुत पराठे हमने खाए अचार के साथ में, आम वाला अचार। और वही दिन चल रहा था, उसी में हमारा वही हमारा लंच था, वही हमारा डिनर था, वही हमारा ब्रेकफास्ट। बट एंजॉय बहुत किया, चाहे जैसा भी हो एंजॉय करना बहुत। तो फर्स्ट ईयर में एक दुर्घटना हो गई मेरे साथ में। और ऐसा बोलते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग, क्या बोलते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, होता है ऐसा बोलते हैं ना? Do you believe in it? Yes, sir. हाँ मैं भी विश्वास करता हूँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। फर्स्ट ईयर में क्या हुआ, मैं नया नया कॉलेज में था। अब नया नया कॉलेज में हूँ और भगवान की दया से एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज भी मिल गया, और सरकारी कॉलेज था लेकिन खाने के मामले में सरकारी व्यवस्था नहीं थी, खाने के मामले में बहुत अच्छा था। लोग आते थे, मैं फर्स्ट ईयर में बच्चे बिल्कुल दुबले पतले आते थे, वो फाइनल ईयर में निकलते थे सलमान भाई का स्टाइल था। फर्स्ट ईयर में दुबले पतले और फाइनल ईयर में निकलते थे हट्टे कट्टे। उसमें से हमारा जो फर्स्ट ईयर का ब्लॉक का मेस था बहुत अच्छा था, खाना बहुत अच्छा मिलता था, ऐसा नॉर्मली कॉलेजेस में नहीं होता है। अब भी हॉस्टल्स में रह रहे हो या पीजीज में रह रहे हो, नॉर्मली पीजीज में खाना हॉस्टल्स में खाना नॉर्मली अच्छा नहीं मिलता है, बहुत एक्सेप्शनल केस में खाना अच्छा मिलता है, राइट? और मेरे कुछ जूनियर्स भी यहाँ पे हैं, उनको बताया कि खाना अच्छा मिलता है यहाँ पे, राइट? आईआईटी लखनऊ में खाना अच्छा मिलता है।
उसमें स्पेशली सी ब्लॉक का खाना बहुत अच्छा है। अब क्या था, हम लोग नए नए कॉलेज कैंपस में, तो आपको मैं बताऊं मेरा सीनियर से अच्छा कॉन्टैक्ट हो गया था, कारण उसका कि मैंने रैगिंग बहुत दी थी और उसकी वजह भी थी, देखो तो रैगिंग देने के पीछे वजह भी थी कि रैगिंग देने के बाद कोल्ड ड्रिंक फ्री में मिलती थी, समोसा भी फ्री में मिलता था। और एक जमाने में क्या था कि रैगिंग एक्चुअली क्या, रैगिंग को गलत माना जाता है आज की डेट में, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको बैन कर दिया कॉलेज कैंपस में, लेकिन हमारा कॉलेज था, सुप्रीम कोर्ट तो बहुत चीजों को बैन कर चुका है। और हालात ऐसी थी रैगिंग का कि जहां पे लिखा होता था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने रैगिंग प्रतिबंधित कर दी है, तो ये कॉलेज कैंपस जो है रैगिंग मुक्त कैंपस है, ऐसा लिखा होता था। रैगिंग करना दंडनीय अपराध है, वही उसी जगह के नीचे। और बड़ा एंजॉय भी किया, रैगिंग देने के फायदे अनेक हैं। एक नहीं अनेक फायदे हैं, अगर एक लिमिट में ली जाए। अच्छा, जो कमजोर होते हैं वो थोड़ा मजबूत बन जाते हैं, जो हेजिटेट करते हैं थोड़ा वो ओपन अप हो जाते हैं, अच्छी बात है, और जो बहुत बुजदिल होते हैं वो बेचारे कूद जाते हैं। तो मैं उसको मैं इसका मतलब मैं नहीं कह रहा, मैं फेवर कर रहा हूं, क्योंकि कई लोग इसका हिंदुस्तान में तो कोई चीज किसी को दे दो तो कई लोग उसका दुरुपयोग भी करना शुरू करते हैं, तो दुरुपयोग इसका गलत है। मैं बताऊं, मैंने तो बड़ा एंजॉय किया रैगिंग को, जो भी बोलते थे कर देता था। इनफैक्ट एक सिचुएशन ऐसा आ गई थी कि वो डर खत्म हो गया था रैगिंग का, सीनियर अच्छा कॉन्टैक्ट बन गए। एक दिन की बात है, क्योंकि खाना बहुत अच्छा था तो खा भी बहुत ज्यादा लेते थे, होता है स्टूडेंट लाइफ में तो हो भी जाता है, अब समझ में आ गया कि ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, बैलेंस में खाना चाहिए, उस समय खा भी बहुत ज्यादा लेते। अब खाने के बाद हमें घूमना टहलना भी होता था, खाना बचेगा कैसे। और फर्स्ट ईयर में 2-3 महीने में एक अच्छा आपका ग्रुप बन जाता है कॉलेज में, आपका ही बन गया होगा फर्स्ट ईयर में, अभी नया नया बन भी गया होगा, राइट, 2-3 लोगों का एक क्या बोलते जट्ठा बन चुका होगा, यही बोलते ना कि वो घूमेंगे एक साथ, जाएंगे एक साथ, हालांकि अलग अलग कमरों में उनका अलॉटेड है, लेकिन रहेंगे एक साथ, सोएंगे भी एक साथ, ठीक नहीं है। बन चुका होगा राइट और नॉट? यस सर। अच्छा फर्स्ट ईयर वाले बताओ मुझे, वो गुड बन चुका है कि नहीं बन चुका? अच्छा नहीं बना, बन चुका है, बन गया है। मेरा भी एक गुड का 4 दोस्त होता, वी वर 4 मस्केटियर्स, 3 बताया जाता, हम लोग 4 थे। खाना पीना खाया, उसके बाद 4 में से एक बेचारा कहीं चला गया, उसको रिलायंस टू रिलायंस कॉल करनी थी। मैं कुछ कोड वर्ड्स में बात करूंगा, आप समझिएगा कोड वर्ड्स में, उनको बात करनी थी। उस समय मेरे पास कोई रिलायंस नहीं था, तो मैं और मेरे दो दोस्त, वो दुर्घटना की बात कर रहा हूँ, मैं और मेरे दो दोस्त निकल पड़े, कहाँ निकले, घूमने के लिए निकले। और हमारा कैंपस का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है कि बीच में ये लीजिए एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग है, इधर हमारा लेफ्ट में है बॉयज हॉस्टल, और इधर है आप समझ लीजिए, और पीछे है एडमिनिस्ट्रेशन का बिल्डिंग जो आपका, उसके पीछे फैकल्टी बिल्डिंग है। अब आप मेरे को बताओ, 3 जगह थी घूमने के लिए, बॉयज हॉस्टल के सामने वाला पार्क, या पहले जो फैकल्टी बिल्डिंग है जहां पर प्रोफेसर्स रहते हैं वहां पर तो जाना नहीं चाहेगा, डेंजर जोन, अच्छी कौन सी जगह। और अपुन की उम्र उस समय 18 साल 6 महीने थी, ऐसा थोड़ा लूंगा सेल्फी का। अपुन की उम्र थी 18 साल 6 महीने, 16 साल की नहीं थी, 18 साल 6 महीने। आपको पता कहां घूमूंगा मैं? हम घूम रहे थे, 2 मेरे 2 दोस्त भी थे, दोनों घूम रहे थे, हम लोग आते हैं तो ज्यादातर सामने से क्या देखा, 2 सीनियर्स, शायद मौका नहीं मिला होगा, वो सामने से आ रहे थे, हम लोग जा रहे थे। अब सोचो गाड़ी रुकी कहां पे,
जब सीनियर्स ने कॉल किया तो मेरे जो दो दोस्त थे वो निकल लिए क्यों, उनको लगा कि अगर यहाँ रैगिंग हो गई तो रायता फैल जाएगा। रायता फैलना तो समझते हो, तो मैंने कहा यहाँ होगा तो गड़बड़ हो, लेकिन मैं रैगिंग दे के ठीक हो चुका था, यहाँ भी होगा तो क्या दिक्कत है, इंजॉय करेंगे। अब क्या हुआ, सीनियर्स आए और उन्होंने मेरे से बड़ा वियर्ड क्वेश्चन पूछा। बोले भूपेंद्र आर यू एम्बिशियस, आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ सरोजनी नायडू भवन। हमारा जो फर्स्ट ईयर गेस्ट हॉस्टल है उसका नाम था सरोजनी नायडू भवन। और मेरे से क्या सवाल पूछ रहे हैं, आर यू एम्बिशियस। इंटरनली देखो मैंने क्या जवाब दिया था वो तो अलग बात है, इंटरनली मैंने पूछा क्या, मैंने कहा थोड़ा म्यूजिक कहाँ है भाई, मैंने कहा इंटरनली मैंने पूछा सर आपका सवाल तो ठीक है लेकिन जगह गलत है। मैं इस सवाल के खिलाफ नहीं हूँ लेकिन जगह आपकी सही नहीं है, यू आर आस्किंग मी दिस सिली क्वेश्चन हियर, व्हाट सेंस यू आर टॉकिंग अबाउट। बट मैंने रिप्लाई किया, जब उन्होंने पूछा आर यू अविशियस, अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या जवाब दोगे, यस आई एम एम्बिशियस राइट और नॉट, यस आई एम एम्बिशियस, मैंने बोला यस आई एम एम्बिशियस। और उसके बाद फिर क्या हुआ, इफ यू आर एन एम्बिशियस गाय मीट मी टुमारो इन माई रूम। मीट मी टुमारो कितना इन माई रूम। अब आगे कहानी देखो, यूपी के लोग थोड़ा सा ना यूपी बिहार के लोग थोड़ा सा स्मार्ट हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि दिल्ली वाले नहीं होते हैं, दिल्ली वाले कूल डूड होते हैं राइट। तो अब क्या हुआ, मैं गया हॉस्टल में अपने फर्स्ट ईयर में और उन दो दोस्तों से मिला, मैंने क्या बोला, मैंने कहा कल सीनियर्स ने बुलाया है और हम सबको बुलाया है। देखो ये कहानी यहीं से शुरू होती है, ये कहानी यहीं से शुरू होती है। अब सीनियर के बताए गए रूम में पहुंच गए हैं, नेक्स्ट डे वहां पे सारी कहानी पता चली एक से सवा घंटे में, और वो कहानी जो मुझे पता चली थी उसी कहानी ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। तो मैं कैसा लड़का था मैं आपको पहले बताना चाहता हूं, मैं एक ऐसा लड़का था जिसको बचपन से ही सिखाया गया, क्या सिखाया गया, देखो अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई में अच्छे हो और मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हो तो आपको यही ट्रेन किया जाएगा कि बेटे आगे चलकर आपको टाटा जैसा बिजनेस बनाना है। नो सर, हाँ यही सिखाया जाए टाटा जैसा बिजनेस बनाना है। और आप पढ़ाई, अच्छा मेरा खानदान, मेरे खानदान में मेरे पापा के सिवा सारे टीचर्स खड़े हुए गवर्नमेंट टीचर्स, कोई जूनियर हाई स्कूल में है, कोई इंटर कॉलेज में है, कोई डिग्री कॉलेज में है। टीचरों के खानदान को मैं रिश्ता रखता हूं, मेरे पापा मेडिकल फील्ड में हैं और पापा के एक फ्रेंड उन्होंने एक एनआईटी इलाहाबाद, एमएनआईटी इलाहाबाद, वहां से वो पास आउट हुए और उसके बाद एनएचपीसी में जॉब कर रहे थे। एनएचपीसी में उनका पैकेज उस जमाने में 10-11 लाख रुपए का था जिसकी वैल्यू थी। तो अब क्या होता है, पापा जब भी वो भैया आते पापा शुरू हो जाते कि देखो वो भैया मनोहर नाम करता, वो मनोहर भैया को देखो, देखो एनएचपीसी में जॉब कर रहे हैं, अच्छी सैलरी है और देखो सैलरी है और एसडीएम के बेटे से बेटी से शादी हुई है डेजिग्नेशन के साथ में कहानी होती थी, एसडीएम की बेटी के साथ में शादी हुई है और दहेज में प्लॉट भी मिला है लखनऊ में, प्लॉट भी मिला है, तुम भी कुछ करो उनके जैसा, ऐसे कमेंट मिलते हैं फैमिली में, कंपैरिजन शुरू हो जाता है। आई डोंट लाइक कंपैरिजन एग्जैक्टली, मैं अगर मनोहर भैया से कंपेयर करता तो यहां खड़ा होता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मनोहर भैया गलत अपनी जिंदगी में कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो अपनी जगह पे हैं, मैं अपनी जगह पे हूं। तो मेरे दिमाग में क्या हुआ, देखो
सपने बदलते रहते हैं। बचपन में क्या होता है, आप एक अच्छा यू नो आप एक एयरफोर्स के किसी पर्सन को देखते हो, किसी यू नो सक्सेसफुल एग्जामिनेशन में कोई है, तो आपको लगेगा नहीं मेरे को एयरफोर्स को ज्वाइन करना है। आप पायलट को देखो, मुझे पायलट बनना है। आप लाइक किसी आईएएस ऑफिसर को देखोगे, उसका लाइफ स्टाइल देखोगे तो आईएएस ऑफिसर बनना है। राइट, आप किसी डॉक्टर को देखोगे डॉक्टर बनना है। आप शाहरुख खान को देखोगे, मुझे ऐसा कुछ करना है शाहरुख खान में बन जाए। तो हमारे बचपन में ड्रीम्स बदलते रहे, राइट है राइट। मेरे भी बचपन से कई सारी चीजों में मेरा अट्रैक्शन रहा है, लेकिन एक चीज थी जो मेरे जहन में आज भी आती है कि मैं छोटा था चौथी पांचवी क्लास में रहा होगा, और मेरी भाभी है और उनसे मेरी अच्छी बातचीत होती थी। तो मेरी भाभी अभी बताती हैं कि तुम जब छोटे थे तो तुमसे जो पूछता था कि तुम्हें क्या करना है, तो तुम्हारा जवाब होता था तुमको कुछ, तुम बोलते थे कुछ बड़ा आदमी बनना है। कैसे बनना है मुझे नहीं पता था, तुम आपको सच्चाई बताओ मुझे भी याद नहीं है, मैं आपको बताऊं मुझे भी याद नहीं है कि मैं बोलता था या नहीं बोलता था, बट भाभी का ऐसा कहना है कि तुम ऐसा बोला करते थे कि तुम्हें बड़ा आदमी बनना है। और मुझे भी नहीं पता था कि बड़ा आदमी कैसे बनूंगा। अब पापा ने मेरे को इंकरेज किया पहले मेडिकल फील्ड के लिए, लेकिन मैं मेडिकल फील्ड में नहीं जा सका। मैं मेरा अपना एक बिलीफ था कि बायोलॉजी होती है ना, उसमें क्या होता है कि ड्रॉइंग वॉइंग बनानी पड़ती है, ह्यूमन स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ता है, बहुत सारा उसमें करना पड़ता है ड्रॉइंग में, होता है कि नहीं होता है? और मुझे खून से बड़ा डर लगता है, खून ना मैं कहीं खून देख लूंगा तो मैं मतलब इतना मैं वहां से हटना चाहूंगा। तो वो फील्ड मैंने नहीं चूज की, एक तो ड्रॉइंग बनानी मेरे को नहीं आती थी, दूसरा खून से डर लगता था। तो अब हिंदुस्तान में अगर डॉक्टर नहीं बनोगे तो फिर इंजीनियरिंग की तरफ आना पड़ेगा आपको। अब फिर मेरे पास रास्ता क्या बचा, इंजीनियरिंग का। और उसमें कारण क्या थे, मनोहर भैया। मैं आपको बताऊं, मुझे शायद दसवीं ग्यारहवीं क्लास में मुझे नहीं पता था कि आईआईटी होता क्या है। वो तो बाद में मैं कानपुर गया, वहां पे प्रिपरेशन करने गया, तब मुझे पता चला कि भाई आईआईटी भी होता है, ये सब भी होता है, सारी चीजें मुझे बारहवीं के बाद पता चला। राइट, तो ऐसी सिचुएशन थी। अब एक तरह से मेंटालिटी क्या बिल्डअप कर दी गई कि आपको आगे चल के गवर्नमेंट जॉब में जाना है। फर्स्ट ईयर में कोई मेरे से पूछे कि मैं क्या बनना चाहता था, तो मैं आपको सच बताऊं, मैं डायरेक्शन मेरी ड्राइव की थी वो यही थी कि मुझे आगे चल के कोई यूपीएससी के प्रिपरेशन में जाना है या आईएएस आईएएस ऑफिसर बनना है, क्योंकि मैं ऐसे ही फैमिली बैकग्राउंड से आया हूं जहां पे मुझे बचपन से ही इंकरेज किया गया कि आपको गवर्नमेंट जॉब्स में जाना है। मुझे नहीं पता था, अचानक से मुझे एक प्लेटफॉर्म पता चला, जिसने मेरी जिंदगी में एक डिफरेंट डायमेंशन दिया। एक जो जॉब सीकर की सोच थी, उस जॉब सीकर की सोच को ट्रांसफॉर्म करके जॉब प्रोवाइडर की सोच में बदल दिया। आप थोड़ा सा आगे जितने भी लोग स्टेज पे आ जाए, कहीं बैठ जाए, जगह ठीक है, मैं भी बैठ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं किसी को बैठने में।